यस बेटे, आज आपां स्टार्ट करते हाँ काव्य रचना साहित्य माला बुक विचों सतगुर नानक प्रगटिया। किसी रचना है? रचनहार भाई गुरदास जी हैं। आपां पिछली रचना की गुरु अर्जन देव जी की, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। उदों भी आपां गल की कि भाई गुरदास जी गुरु ग्रंथ साहिब के लिखारी होए ने, जिन्होंने पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब लिखिया जो तैयार होया, गुरु अर्जन देव जी ने तैयार किया तो लिखवाया किस तो? भाई गुरदास जी तो। भाई गुरदास जी गुरमत के व्याख्याकार होए ने, जिन्होंने गुरमत के सिद्धांतों की व्याख्या की, गुरबाणी की व्याख्या की, जिन्होंने वारा रचिया, जिन्हों दारा का विशा वैसे वार शब्द का अर्थ होंगे बहादुर के जस विच गाएगी कविता। वार आप वार शब्द जे याद हुए तो बहु आर्थिक शब्द च किया कि वार शब्द का अर्थ है हमला करना, वार शब्द का अर्थ है वारी, वार शब्द का अर्थ है वारा, काव का कविता का रूप। भाई गुरदास जी की खासियत यह है कि इन्होंने वारा रचिया, इन्होंने कवित रचे, इन्होंने सवैये रचे, ये सारे काव्य रूप ने। पर इन्हों का विशा की रहा? अध्यात्मक। की विशा है इन्हों का? अध्यात्मक का की मतलब है? जेडे के सानू परमार्थ के मार्ग वाल तोरते ने विचार, परमात्मा दे दी प्राप्ति का मार्ग दर्शाते हैं, सच दे राह वाल, गलत रस्ते तो सही रस्ते वाल तोरना। इन्होंने बहुत सारिया एग्जाम्पल दुनियावी लिया ने, पशुआं दी जानवरों की एग्जाम्पल दे के दसिया कि इंसान नूं किवें सीधे रस्ते ते चलना चाहिए। इन्हां दीआं वारां दा विशा यह रहा है। अज जिहड़ी आपां वार ही है, समझ लो सतगुर नानक प्रगटिया टाइटल है गुरु नानक देव जी के आगमन से, गुरु नानक देव जी के प्रकाश से भाई गुरदास जी ने गुरु नानक देव जी की महिमा गाई है कि उन्होंने आगमन नाल, उन्होंने प्रकाश नाल, उन्होंने अवतार धारण नाल संसार विच फैली हुई अज्ञानता की धुंद, पखंडा का हनेरा दूर हो गया। लोग जड़े वहमां भरमां विच फसे हुए सन और जड़ी जनता कमजोर हो चुकी सी। क्यों कमजोर हो गई सी? जालम हाकमां ने अपना उन्हां ते रोह पा के उन्हां दा जड़ा हौसला ढेरी किया होया सी। जनता डरी हुई सी, वो डरी हुई जनता दे अंदर गुरु नानक देव जी ने अवतार धर के उन्हां अंदर जिंदगी जीवन दा हौसला पैदा किया। और गुरु नानक देव जी के आगमन नाल जिथे अज्ञानता की धुंद दूर हो गई, अज्ञानता का हनेरा जो कि फैलिया होया सी संसार विच, ते उस फैले हुए हनेरे कारण संसार के लोग कुराए रस्ते ते भटक रहे सन, वहमां भरमां का शिकार सन, माड़ी सोच के मालक सन और गरीबां ते जुलम हो रहे सन। वो तुसी बिल्कुल तुहानूं क्लीयर ही है, तुसी जदों गुरु नानक देव जी के जीवन बारे पढ़ो कि किदां गुरु नानक देव जी ने किनू किनू सही रस्ते ते पाया, मलिक भागो नूं, ठीक है, ते दैन बाबर नूं, सज्जन ठग वर्गियां नूं, कौडे राक्ष वर्गियां नूं, जिहदे जिहने नाल वी गुरु नानक देव जी की जिहड़ी वार्ता हुई है, गुरु नानक देव जी जिहनूं जिहनूं वी मिले आ, क्योंकि उन्होंने चार उदासियां कीतियां, चार उदासियां करके गुरु नानक देव चारे दिशावां नूं सच दे उपदेश नाल तार दित्ता। यह है गुरु नानक देव जी की महिमा। तो वह हुण शब्द विच पढ़नी है, मैनूं लगदा है मैक्सीमम बच्चों नूं ना यह शब्द आंदा भी होना, क्योंकि गुरु नानक देव जी का जो नवंबर विच प्रकाश पुरब आंदा ना, यह शब्द तो सब तो पहला बोलिया जाता। कौन बोलेगा यह शब्द? तुहाडे च कौन बोलेगा? काफ़ी बच्चों नूं आंदा होना यह शब्द। यस बेटे, रेज योर हैंड्स। कौन रीड करेगा बच्चे? फिर आप व्याख्या करते हैं, इन समझते हाँ। हाँ जी बेटे, राघव सिडाना। बस दो तीन बच्चे मैनू लगता है क्लास च रिस्पोंस देंगे, बाकी बच्चों की कोई क्लास पार्टिसिपेशन नहीं। और हाँ जी, बलजिंदर करेगी रीडिंग। यस, और होर इस तो भी वध के तुसी होलीडेज होमवर्क अजे तक बच्चों ने 50% बच्चों ने मैं सेंड नहीं किया, और मैं रिमाइंडर नहीं सी देना, पर मैं फिर भी हो जाता कि बच्चों की इंटरनल असैसमेंट के मार्क्स ना चले जाए कि एक सिर्फ एक तुसी होलीडेज होमवर्क में सिर्फ इमेजेस भी भेज दो ना, अपनी जी एडवरटाइजमेंट बनाई है वो अकॉर्डिंग भी मैं थोड़ा असैस कर लेना,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੋਪਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੇਖ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮੈਮ ਆਡੀਬਲ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛੱਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਯੈਸ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਮਤੇਜੇ ਕੋਆ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਯੈਸ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, 1559 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਭੱਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨੈਫਿਊ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਵਾਰਾਂ ਕਵਿਤ ਤੇ ਸਵਈਏ। ਸਵਈਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹਨ? ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹਨ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ, ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਤਮਕ। ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ? ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 40 ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ, 40 ਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 56 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਨੇ, ਕਵਿਤ ਤੇ ਸਵਈਏ, 56 ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ 550 556, ਠੀਕ ਹੈ 556। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੁਰਿਆਈ ਦੀ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਰਾਘਵ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਬੇਟੇ? ਮੈਮ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਥੇ ਵੋ ਕਿਸਕੇ ਨੈਫਿਊ ਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਥੇ ਵੋ ਕਿਸਕੇ ਨੈਫਿਊ ਥੇ? ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਬਣਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
क्योंकि उन्हां ते गुरु साहिबान की मेहर रही है, कृपा रही है। वह गुरु साहिबान के संग विच रहे ने, संगत विच रहे हैं भाई गुरदास जी। इस करके उन्होंने गुरमत के सिद्धांतों के व्याख्याकार, गुरमत सिद्धांतों के व्याख्याकार क्या जाता है। व्याख्याकार का मतलब की है, जिमें आप रचना की व्याख्या करनी है, जिमें आप रचना की व्याख्या करनी है, व्याख्याकार मतलब एक्सप्लेनेशन। और सब तो वड्डा उन्होंने की कह के वड्याया, गुरबाणी की कुंजी। गुरबाणी की कुंजी किसनों कहा गया, वन मा क्वेश्चन भाई गुरदास जी कि गुरबाणी नूं खोलन वाले कौन ने, गुरबाणी नूं समझाण वाले कौन होए ने, भाई गुरदास जी। कुंजी आपां जिवें कहिंदे ना, मेहनत सफलता दी कुंजी है। मेहनत दे नाल, मेहनत रूपी चाबी नाल सफलता प्राप्त हुंदी है। गुरबाणी जिहड़ी है साडी इक चाबी है, सानू की दर्शाउंदी है कि असीं रस्ते ते किहड़े रस्ते ते चलना। ते गुरबाणी दी कुंजी किहनूं कहा गया, भाई गुरदास जी नूं, जिन्होंने गुरु साहिबान के विचार की व्याख्या की है। हुण आपां गल करिए रचना की, इन्ना क्लीयर हो गया भाई गुरदास जी के बारे। बोलो बच्चे, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड। भाई गुरदास जी की रचना केड़ी बेटे, सतगुरु नानक प्रगटिया, दो ही रचनावां ने, काव्य रचनावां। इस तो बाद आपां एक कहानी करनी है वनगी बुक के विच। यस, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। पहले एक एक वर्ड का मीनिंग समझो, पहले बच्चे नोट कर ले सारे क्वेश्चंस। यस, हुण आपां गल करिए शब्दां दे अर्थ, जिहड़े कि वन मार्क क्वेश्चन दे रूप विच ही आने हन। ऑलरेडी आपां डिस्कस कर चुके हां कि काव्य रचनावां दे विचों एक वार प्रश्न ही आने हन। सतगुर नानक प्रगटिया, प्रगटिया का की मीनिंग है, प्रगटिया मीन्स अवतार धारिया, प्रगटिया मीन्स अवतार धारना। सतगुरु का मतलब की है, सच्चे गुरु, सतगुरु सच्चे गुरु। जिवें आप गुरमुख कहने ना, एक पासे कहने मनमुख, उवें सतगुरु सच्चे गुरु। सतगुर नानक, नानक देव जी सच्चे गुरु होए हैं। जदों प्रगट होए की वापरिया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। धुंध तो भाव अग्ञानता दा हनेरा, अग्ञानता दा हनेरा दूर हो गया। चानन मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, जग का मतलब इस संसार विच फैली हुई अग्ञानता दी धुंध सी ओ मिट गई, जिहड़ी छाई हुई सी। और कादा चानन हो गया, रब्बी ज्ञान दा चानन कादा होया, रब्बी ज्ञान दी रोशनी होगी, रब्बी ज्ञान दी रोशनी। चानन केड़ा होया बेटे, रब्बी ज्ञान दा। क्लियर है बच्चे। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारी छपे अंधेर पलोआ। पहले दूसरी लाइन की व्याख्या करो, उहदे नाल कंपेयर किया की कहिंदे ने भाई गुरदास जी। इन्हां सत्रां दे विच, इस वार दे विच इह रचना भाई गुरदास जी की रची हुई है। इस विच गुरु नानक देव जी दे आगमन ते उन्हां दे आगमन की महिमा गाई है कि उन्हां दे आगमन नाल, आगमन मीनस प्रकाश नाल, उन्हां दे अवतार धारण नाल, उन्हां दे प्रगट होण नाल संसार विचों वहमां भरमां ते अग्ञानता दा हनेरा दूर हो गया। भाई गुरदास जी दसते हैं कि जिवें सेकेंड लाइन, सूरज चढ़न नाल, तुसी देखते हो मॉर्निंग सूरज चढ़दा, शाम नूं सूरज छिप जांदा, उहदे सूरज चढ़न दा ते छिपण दा समां है। कहिंदे जिवें सूरज चढ़न दे नाल रात दा हनेरा अलोप हो जांदा है, अंधेर पलोआ, पलोआ दा मीनिंग देखो, अंधेर दा मीनिंग हनेरा, पलोआ दा मतलब दूर, अंधेर हनेरा पलोआ दूर हो जाना। पलोआ दा मतलब की है बेटे, नस जाना, भज जाना। कहिंदे जिस तरह सूरज निकलण नाल तारे छिप जांदे हन, जिहड़े रात नूं टिमटिमांदे ने आसमान विच, तुसी देखते ही हो
तारे चढ़े होंगे ने रात नू, ते जदो सवेर सूरज दी टिक्की चढ़न लगती है तारे छिप जाते हैं, ते रात दा हनेरा दूर हो जाता है, ते चारे पासे की बिखर जाता है चानन, ते असी संसार विच बिखरिया हुआ चानन देख के चानन की रोशनी विच असी सब संसार नू देखते हैं। इस तरह ही गुरु नानक देव जी की उपमा तुलना सूरज नाल कीती है, चढ़ते सूरज नाल, कि गुरु नानक देव जी जदों प्रगट हुए संसार विच, संसार विच फैली हुई अज्ञानता दी वहमा परमा दी धुंद हनेरा मिट गया, रब्बी ज्ञान दी रोशनी फैल गई सारे पासे, सब पासे ज्ञान दा चानन फैल गया। गुरु नानक देव जी ने प्रगट होंदिया ही ना शुरू तो ही ज्ञान दा चानन चारे पासे फैलाना शुरू कर दिता। अगली लाइन, सिंह बुके मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर तरोआ। हुण पहले मीनिंग देखो, सिंह दा मतलब की है, सिंह मीन्स शेर दी गर्ज, मिर्गावली दा मतलब है हिरना दी डार। ये सारे वन मार्क क्वेश्चन लई लर्न करने पैने, हिरना दी डार, हिरन दी डार मीन्स इकट्ठ, हिरना दी डार मीन्स हिरना दा झुंड इकट्ठ। कहिंदे शेरां दी गर्ज सुन के जिस तरह शेर भज जांदे, हिरण भज जांदे हन, शेरां दी भबक सुन के गर्ज सुन के हिरना विचारे नूं तां जान नूं बन जांदी है कि वह हमला करन आ रहे ने। पन्नी जाए ना तीर तरोआ, दौड़दी है पन्नी मतलब दौड़दी है हिरना दी डार, उन्हां दे अंदर धीरज नहीं है, हौसला नहीं है। तीर तरोआ सिंह बुकै मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर तरोआ। गुरु नानक देव जी ने जेड़े कमजोर लोग जेड़े के जुल्मा तो तंग आ चुके सन, पापा तो तंग आ चुके सन, गुरु नानक देव जी के आगमन नाल उन्हां शेरां नूं, शेरां दी गर सुन के जेड़े कमजोर होए, सां सतहीन होए लोग सी, उन्हां अंदर हौसला पैदा किया, धीरज पैदा किया। क्लीयर है बेटे, ऐ लाइन क्लीयर हुई? जिस तरह शेरां दी गर्ज सुन के हिरना दी डार दौड़ जांदी है, उन्हां दे अंदर हौसला नहीं हुंदा, तीर तरोआ, पर गुरु नानक देव जी दे आगमन नाल गुरु नानक देव जी ने जालमां दी भबक सुन के, जालमां दी गर्ज सुन के, जालमां दे जुल्मां तो तंग आए हुए कमजोर जनता, भोली भाले लोग जेडे के सां सतहीन हुए बैठे सन, जिन्हों का जीना औखा होया सी, उन्हां दे अंदर गुरु नानक देव जी ने जिंदगी जीवन का धीरज पैदा किया। धीरज मीन्स हौसला, धीरज का की मतलब है बेटे, नोट करो, हौसला, जेडे कि हौसला छट गए सन, ते किन्ना नूं भाजड़ पा दित्ती, जेडे जुलम करन वाले पापी लोग, पापा नूं भाजड़ पै गई। इस लाइन का की तुक है, सिंह बुकै मरगावली पन्नी जाए ना तीतरो। सिंह का मतलब शेर, बुके का मतलब है भबके गरजे, मरगावली मतलब हिरना की डार, पन्नी का मतलब दौड़ती जाती है भज जाती है, तीतरो मीन धीरज नहीं रख पाती। पर गुरु नानक देव जी के आगमन पापा नूं भाजड़ा पै गई, जड़े जालम जुलम करन वाले सन उन्हां नूं भाजड़ा पा दित्तियां, ते जड़े कमजोर ते सां सतहीन हुए लोग सन, कमजोर नितानी निमाने जिन्हां नूं कोई मान नहीं सी मिल रहा, जिन्हां नूं लताड़िया जा रहा सी जुलमां दे नाल, उन्हां दे अंदर जिंदगी जीवन दा नवा हौसला पैदा किया। नैक्सट, जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ। जिथे जिथे भी गुरु नानक देव जी गए ओ जगह पूजन योग बन गई, पूजा आसन थापन सोआ। आसन का मतलब है ओ जगह, ओ आसन, थापन मीन्स सारे पूजन लग पे, पूजा आसन थापन सोआ, जेड़ी भी जगह ते गुरु नानक देव जी ने पैर रख्या ओ जगह, आसन का मतलब है जगह, थापन का मतलब ही जगह गद्दी, जिस थां ते भी बैठे जाके
जिस थान ते भी अपना आसन विछाया ओ जगह पूजन योग अस्थान बन गया। इस संसार विच जिथे जिथे भी गुरु नानक देव जी गए, गुरु नानक देव जी दे पैर रखन नाल ही ओ जगह इन्नी पवित्र हो गई कि ओ जगह पूजन योग धार्मिक अस्थान बन गए। नेक्स्ट पैरा, सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मदे जे कोआ, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा विसोआ, बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। इस विच गुरु नानक देव जी दे आगमन लई की कहा भाई गुरदास जी ने, भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि गुरु नानक देव जी दे आगमन की महिमा करते हुए कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के प्रगट होने नाल गुरु नानक देव जी की शख्सियत का इन्ना प्रभाव पिया कि की क्या उन्होंने सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मते जे कोआ। गुरु नानक देव जी दे आगमन नाल, गुरु नानक देव जी दे प्रगट होने नाल सारे पासे गुरु नानक देव जी दे दा नाम ही प्रचलित हो गया। ते गुरु नानक देव जी तो पहला जेड़े भी मत जेड़े भी धर्म चल रहे सन, वक्-वक् धर्मां नाल संबंधित सिद्धां जोगियां दे डेरे सन, वह डोल गए। सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मते जे कोआ, कोआ दा मतलब सब डोल गए, वह गुरु घर बन गए। जिथे जिथे भी गुरु नानक देव जी ने सच का उपदेश दिता। नैक्सट, घर घर ही अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा विसोआ, घर घर के अंदर धर्मशालावां बन गई, परमात्मा के नाम का कीर्तन होने लग पिया। जिस तरह कोई नवा दिन चढ़िया होवे, जिस तरह विसाखी आ गई होवे, विसोआ का मतलब दो मीनिंग ने, फैल गया जां विसोआ का मतलब विसाखी का त्यौहार, इस तरह विसोआ का मतलब नवा दिन, इस तरह लग्या कि नवा दिन चढ़ गया, कोई त्यौहार है विसाखी का त्यौहार है। तो सारे घर के विच, घर मीन्स जिथे जिथे भी गुरु नानक देव जी ने पैर रखा वो थां धर्मशालावां बन गई, धार्मिक स्थान बन गए। धार्मिक स्थान बन के उत्थे परमात्मा की महिमा का कीर्तन गायन होने लग पिया। क्लीयर। नैक्सट, बाबे तारी चार चक, चार चक का मतलब है, चक का मतलब दिशावां, डायरेक्शन, वो तो तुहानूं सभनूं पता ही है गुरु नानक देव जी ने चार उदासियां कीतियां, उदासियां करके उन्होंने की किया, नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, नौ खंड का मीनस ये नौ खंडा की बनी हुई धरती, ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड सच के उपदेश नाल सच्चा ढोआ, ढोआ का मतलब है मेल नाल, जिथे जिथे भी किसी मिले है उपदेश, ढोआ का मतलब उपदेश भी है, सच का उपदेश अजिहा फैलाया, सच की बाणी बोली, सच की बाणी के चान नाल चारे दिशावां नूं, नौखंड में सारे ब्रह्मांड नूं सच दे उपदेश नाल तार दिता, सारे पासे प्रकाश कर दिता, कादा सच दा प्रकाश, ते लोकां दे अंदर सच दी सोझी पैदा कीती, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। इस तरह सच्चे गुरमुख गुरु नानक देव जी, गुरमुख में सच्चे गुरमुख कलयुग दे समय विच प्रगट होए। कलयुग दा समा केड़ा हुंदा बेटे, जो चारे पासे अज्ञानता की धुंद फैली हो, जो चारे पासे पाप हो रहे हो, जो चारे पासे जुल्मा ने अत चुक ली हो, कलयुग का समा है। ते गुरु नानक देव जी अजे कलयुग के समय विच सच्चे गुरमुख होके प्रगट होए, ते उन्होंने गुरबाणी के चानन नाल अजिहा रब्बी ज्ञान का प्रकाश फैला दिता कि इस धरती तो वहमा भरमा पखंडा दा, जुल्मा दा, पापा दा नाश कर दिता। क्लियर है बेटे, ये वार पहली है, ते वार पहली दी सताईवीं पौड़ी है, आपां ऑलरेडी कर चुके हैं कि वार पहली है ते सताईवीं पौड़ी है। ये केड़ी वार चो लिया गया, पहली वार है, गुरु नानक देव जी 40 वारां रचियां, ते पहली वार दी अगो शब्द ने
19वीं 27वीं पौड़ी दे विच जिथे गुरु नानक देव जी दी आगमन होन नाल फैली हुई धुंद नूं दूर किया गया गुरु नानक देव जी ने दूर किया ते रब्बी प्रकाश रब्बी रोशनी फैला दित्ती जिस कारण हर पासे घर घर अंदर धर्मशालावां बन गईआं झूठ जिहड़ा पसरिया होया सी उहदे च झूठ भी आंदा पाप भी आंदा अज्ञानता भी आंदी है वह सब पसारा खत्म हो गया फैलिया होया सी जिहड़ा जिन्हें लोगों राहों खुराहे भटकाया होया सी वह दूर हो गया सारे पासे सच का प्रकाश फैल गया। क्लीयर है बेटे? हाँ जी बच्चे, किसी को कोई डाउट? तुसी हुण ये रचना चंगी तरह पढ़ना है, चंगी तरह समझना है, तो आप नैक्सट क्लास में इससे आप वन मार्क क्वेश्चन ही डिस्कस करने। ऑलरेडी तुम्हें एक एक लाइन का मीनिंग पता लग गया, मीनस तुम वन मार्क क्वेश्चन सारे क्लीयर हो जाने। एक एक लाइन का मीनिंग, एक एक शब्द का मीनिंग आना जरूरी है। जिवें मिरगावली तो की भाव है, क्वेश्चन आ जाता किरना की डार। सिंह तो की भाव है, शेरां की गर्ज। बुके का मतलब है गर्ज। क्लीयर है बच्चे? अज तुसी शब्द ये पढ़ना है चंगी तरह, वो वन मार्क क्वेश्चन चंगी तरह समझने हैं। ठीक है बच्चे? थैंक यू सो मच।